हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडंकल गेट की तैयारी। जैसा आप सब लोग जानते हो कि हमने शुरू की है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कंसेप्ट वाइज, यानी कि हम कंसेप्ट भी साथ में पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज उसमें यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं डेली। आज हमारा है फिफ्थ डे, यानी कि पांचवा दिन, और अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। टॉपिक थे हमारे अब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने देखे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस, हमने देखे हैं डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के क्वेश्चंस, फिर हमने किए हैं ट्रांसमिशन लाइन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में, और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग वेव गाइड से। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि है एडंकल की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल। टॉप फैकल्टीज यानी कि ऑल ओवर इंडिया में वो फैकल्टीज जिनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी गेट एंड ईएससी क्वालिफाइड है, पीएससी क्वालिफाइड है, वो सारी फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हैं। हम लेकर आए हैं डाउट सॉल्विंग, जिसमें हम करवाएंगे आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर। जिस भी कंसेप्ट में या जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एडंकल गेट की तैयारी। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपके डाउट्स भेजिए। हम बहुत ही जल्द एक डिस्कशन ग्रुप भी वहां पे बनाने वाले हैं, जिसमें आप सब लोग वहीं पे कमेंट करके आप अपने क्वेरीज हमसे पूछ पाएंगे। लास्ट है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। इसके अलावा भी बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है एडंकल गेट की तैयारी, तो आज ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पैटर्न्स रिप्रेजेंट अ टीईएम वेव, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें दी है कि हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इसको हम डिनोट करते हैं ए के कैप से, ठीक है। वो मुझे दी है कितनी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि प्लस ए एक्स की डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है। आगे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फील्ड पैटर्न रिप्रेजेंट टीईएम टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि अब मुझे क्या बताना है, ई फील्ड किस डायरेक्शन में है और एच फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, कि ताकि मेरी जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स में ही आए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है कि हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो एक्स से वाई, वाई से जेड एंड अगेन जेड टू एक्स। इसका क्या मतलब है, जब भी ए एक्स को क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं ए वाई के साथ, मुझे क्या मिलना चाहिए, ए जेड कैप, राइट। सिमिलरली ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, क्या मिलना चाहिए डायरेक्शन उसकी, ए एक्स कैप, एंड ए जेड कैप क्रॉस ए वाई कैप, क्या मिलना चाहिए मुझे, ए जेड। यहां से एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स आ जाएगा इधर, राइट। तो ये क्या मिलना चाहिए, z और x की डायरेक्शन में, दैट इज ए वाई कैप, ये मुझे टर्म्स मिलनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव लेना है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस वाली डायरेक्शन को अगर मुझे यूज करना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मुझे इसका यूज करना है, कि अगर मान लो मुझे माइनस z की चाहिए, यानी कि ए वाई क्रॉस ए एक्स कैप अगर मैं करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ ए जेड कैप। सिमिलरली सेकेंड इस वाली इक्वेशन के लिए क्या मिल जाएगा, ए जेड कैप क्रॉस ए वाई कैप, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ ए एक्स कैप। और इस वाली के लिए क्या मिलेगा, लास्ट वाली इक्वेशन के लिए, अगर ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप कर दूं, आई विल गेट माइनस ऑफ ए वाई कैप, ये मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शंस मिल जाती है। अब देखो मुझे क्या बोला क्वेश्चन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन चाहिए, पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स का क्या मतलब है, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा तरीका होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव ए एक्स कैप चाहिए, तो उसके लिए ए ई और ए एच क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव एक्स के लिए कहाँ से आएगी, देखो इन तीनों में देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एक्स मुझे मिल रहा है, तो ये हो जाएगी ए वाई क्रॉस ए जेड, सो दिस इज ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, राइट। अब देखो ऑप्शंस में देखो क्या कुछ भी ऐसा है कि ए वाई भी पॉजिटिव है और ए जेड भी पॉजिटिव है, यानी कि ई और एच की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है, ऑप्शंस में चेक करो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नहीं है। बी को चेक करो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नहीं है। सी को चेक करो यहाँ पे पॉजिटिव जेड है और वाई है, ठीक है, क्या है जेड और वाई, यानी कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव ए जेड दिया है और यहाँ पे क्या दिया है पॉजिटिव ए वाई दिया है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे क्या मिलती है यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाली चीज यहाँ पे मिलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव ए एक्स, तो ये वाला रूल तो हमारे यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, इक्वल्स टू माइनस और यहाँ पे है प्लस, अब यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया मैम ने, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, हमें क्या करना है बस इसी वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके लिख देना है, क्या होगा यहाँ पे प्लस ए एक्स कैप चाहिए, तो प्लस ए एक्स के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस ऑफ ए वाई कैप कर दूं यहाँ पे, आई एम सॉरी, अगर मैं दोनों को नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे प्लस मिल जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, दैट इज माइनस ऑफ ए वाई, यानी कि ई की डायरेक्शन माइनस ए वाई में ले लू अगर मैं, तो ई की डायरेक्शन हो गई ये माइनस ए वाई की में, ठीक है। और एच की डायरेक्शन भी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव किस में जेड में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तब हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, बहुत अच्छे, आगे चले, वेरी गुड। चलो सो गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। हाँ बस आप सब ऐसे इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, रोज शाम 6:30 बजे मैं आपको मिलूंगी, अगर कोई भी चेंजेस होंगे वी विल अपडेट यू, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑफ अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, द वेव लेंथ इन मीटर फॉर द वेव इज, अब NAT टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, दैट इज वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा है। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कल भी मैंने बताया था, ये कौन सी, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि टाइम डिपेंडेंट है और ये ई यानी कि वेव जो है हमारी प्रोपेगेट कर रही है इन जेड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या होती है प्रोपेगेशन डायरेक्शन, ए के की जो भी डायरेक्शन है वो यहाँ होती है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए वाई की डायरेक्शन गिवन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पे मिलती है, फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है वाई की डायरेक्शन में, तो इससे तो क्लियर हो गया कि जो एच फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स किसकी वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड है और वाई है, ये एक्स बच गया ना, सो दिस विल बी आवर ए एक्स की डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ए एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगा एच फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट कॉस या फिर साइन, जो भी यहाँ पे लेना हो आप ले सकते हो, 10^8 यानी कि यहाँ पे है ओमेगा टी माइनस बीटा इनटू जेड और यहाँ पे क्या होते हैं प्रोपेगेशन डायरेक्शन, दैट इज ए ई कैप, क्लियर। ये होते हैं हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है ए के की डायरेक्शन, ये जो है ए के की डायरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये वाली क्या है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, जेड और यहाँ पे ई की डायरेक्शन क्या है वाई, ठीक है, सो दिस इज वाई डायरेक्शन, तो एच फील्ड किस में हो जाएगा एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, वी विल गेट ओमेगा की वैल्यू 10^8, ठीक है, और बीटा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, मुझे क्या फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, बस सिंपल सा है, वेवलेंथ और फेज कांस्टेंट यानी कि बीटा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू 2π/λ, ठीक है, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2π/β, सो व्हाट इज दैट वैल्यू, 2π/1/√2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी मुझे वैल्यू, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 2√2π मीटर, और इसको यूजिंग कैलकुलेटर हम सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 2√2π, दैट इज 8.88 meters, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, वैल्यू यानी कि इसका आंसर हमें मिल गया 8.88
मीटर्स। क्लियर? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी बड़ी सी क्वेश्चन दे के गेट वाले आप लोगों को डरा देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे। कंसिडर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव विद एम्पलीट्यूड ई नॉट ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर एंड 1.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 1.1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और एम्पलीट्यूड गिवन है उस वेव का 10 वोल्ट पर मीटर। वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है किसमें? एयर में। और इंसिडेंट हो रही है किसी एक डायलैक्ट्रिक मीडियम पे, यानी कि ये जो वेव है वो यहां से आई। ठीक है, एक मीडियम यानी एयर से आई और वो किसी डायलैक्ट्रिक में क्या किया उसने? इंसिडेंट, यानी कि वो डायलैक्ट्रिक तक पहुंच गई। ठीक है, विद अ कॉम्प्लेक्स रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो म्यू आर की वैल्यू दी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स यानी कि जे की टर्म में है। ठीक है, एक्स प्लस जे वाई की फॉर्म में है या फिर ए प्लस जे बी के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। सिमिलरली इप्सिलॉन आर भी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन साइड द डाइलेक्ट्रिक रीजन। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि ई का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। कब? जब वो वेव 10 मीटर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक के 10 मीटर तक चले जाए, 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, मीटर नहीं है यहाँ पे, सेंटीमीटर। सो इस डाइलेक्ट्रिक के 10 सेंटीमीटर तक वो जब वेव पहुंचती है तब मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। राइट, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ना कुछ फॉर्मुलेज होते हैं टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई। एक होता है कि अगर कुछ रिड्यूसिंग टर्म आ रही है, लेट सपोज कि इतना परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो गई या इतना परसेंट ऑफ पावर रिड्यूस हो गई, तो उस फॉर्म में हम लेके चलते हैं, दैट इज ई नॉट एंड वन माइनस जो भी हमें परसेंटेज यहाँ पे गिवन होगा वो, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इनटू जेड। एक होता है इस फॉर्म में। क्लियर? सो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा इनटू जेड हियर। राइट, अब यहाँ पे एक्स क्या है? जो भी हमारी रिडक्शन होगी, लेकिन इस केस में हमें कोई भी रिडक्शन नहीं दिया तो हमें सिर्फ ये डायरेक्ट ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा क्या है? अल्फा इज नथिंग बट द एटेन्युएशन कॉन्स्टेंट, एटेन्युएशन कॉन्स्टेंट। और z क्या है? z जो भी हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर का, यानी कि वो ट्रेवल कर गई इनटू द डाइलेक्ट्रिक अराउंड 10 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इन मीटर्स, दैट इज 0.1 मीटर, टू इजी टू गेट सम इजियर वैल्यूज और इजियर कैलकुलेशन। राइट, चलो अब यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड। तो जेड मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है, आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि डाइलेक्ट्रिक गिवन है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? कंडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में क्या हो गई? कंडक्टिविटी जीरो। तो हेंस वी कैन राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। ये क्या है? दिस इज आवर प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट अल्फा क्या होता है? अटेन्युएशन कॉन्स्टेंट। गामा क्या होता है? प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। और बीटा क्या होता है? दिस इज आवर फेज कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैंने फिर भी लिख दी है। क्लियर? तो यहां से क्या होता है इसका फॉर्मूला? गामा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू इनटू जे ओमेगा म्यू, यहां पे हो जाएगा म्यू क्या है? म्यू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। तो यहां पे हो जाएगा जे ओमेगा म्यू इनटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा इप्सिलॉन। ठीक है, या तो यहीं पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो आप। ये क्या मिल जाएगी मुझे? अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू क्या है? दैट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर के फॉर्म में इनटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। ठीक है, कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या गिवन है? दैट इज जीरो। तो वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। वी विल गेट अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू नॉट म्यू आर इनटू जे ओमेगा इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें?
डायरेक्ट जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी विल गेट गामा इक्वल्स टू अंडर रूट जे, जे का स्क्वायर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या क्या ले लेते हैं, जे ओमेगा को कांस्टेंट ले लेते हैं, जे ओमेगा को कांस्टेंट ले लो, जे बाहर आ गया और ओमेगा भी बाहर है क्योंकि जे का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर बच गया, बचा क्या, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर की फॉर्म बची हमारे पास, क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, गामा इक्वल्स टू जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, और म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज गिवन थी, क्या थी, 1 माइनस जे टू, 1 माइनस जे टू, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटू 1 माइनस जे टू, 1 माइनस जे टू का होल स्क्वायर, ये लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर। सो गामा वुड बी जे ओमेगा, अब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, क्या, जे ओमेगा म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस जे, 1 माइनस जे टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू जे ओमेगा अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, 1 माइनस मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 ओमेगा अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट की फॉर्म हमें मिल जाएगी, क्लियर। अब देखो, अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो अपने पास क्या होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है गामा की, गामा इज नथिंग बट इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, तो जे वाली वैल्यू ये है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई अपने पास, बीटा, और यहाँ पे ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी मुझे, अल्फा मिल जाएगी, क्लियर। ये वाली टर्म क्या मिल गई, अल्फा, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, इस वाले पार्ट को रब करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं गामा की वैल्यू, अल्फा आ गया अपने पास 2 ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, ओमेगा कितना है 2 इंटू 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है क्वेश्चन में, 1.1 गीगाहर्ट्ज, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 9 दैट इज गीगाहर्ट्ज, और म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7, और इप्सिलॉन नॉट कितना होता है, कल बताया था 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 डिवाइडेड बाय 36 पाई, इनको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग द कैलकुलेटर आई विल गेट 2 इंटू 2 पाई इंटू 1.1 एंड अंडर रूट ऑफ दिस। सो आप लोग भी कैलकुलेटर से फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर लिखो अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 46.07 यूनिट क्या होते हैं, नेपर पर मीटर, क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बस अब तो वैल्यूज आ ही गई हैं, कितनी हो जाएगी, ए नॉट ए टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा कितना है 46.07 इंटू जेड, जेड कितना है दैट इज 0.1 मीटर्स में, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ई, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, ए टू द पावर माइनस ऑफ दिस सॉल्व करेंगे, और ई नॉट, ई नॉट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो ई नॉट कितना हो गया अपने पास 10 वोल्ट पर मीटर, सो मोड ऑफ ई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 0.1 वोल्ट पर मीटर, क्लियर, ये आ जाएगी 0.1 वोल्ट पर मीटर, सो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू हेयर, 0.1 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन को इतनी बड़ी फिगर के साथ पूरा का पूरा घुमा के आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी, क्लियर। अब तो आई एम श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे, सो बी कॉन्फिडेंट, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे ही, आप ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, बस इतने क्वेश्चंस को आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इन योर गेट एग्जाम, राइट। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन है द परमिटिविटी ऑफ वॉटर एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज इज 1.75 इप्सिलॉन नॉट, क्या गिवन है, परमिटिविटी गिवन है किसकी, वॉटर की, इसकी परमिटिविटी गिवन है 1.75 इप्सिलॉन नॉट, इट इज फाउंड दैट एन आइसोट्रॉपिक लाइट सोर्स एट अ डिस्टेंस डी अंडर वॉटर फॉर्म एन इल्यूमिनेटेड सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 5 मीटर एज शोन इन द फिगर, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है एक सर्कुलर, इस तरीके से जो है एक सर्कुलर इल्यूमिनेशन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, जिसका रेडियस हमें क्या गिवन है
5 मीटर्स गिवन है, ठीक है, 5 मीटर्स गिवन है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, द क्रिटिकल एंगल इज थीटा सी, द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी क्या है, डिस्टेंस, ये वाला, ये यहां से हो गया ये वाला, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या है जो हमें नोट करना है, वो ये है कि वाटर में इल्यूमिनेशन हो रहा है, सो ये अपना हो गया मीडियम वन, और एयर में क्या जा रही है, उसका इल्यूमिनेशन जा रहा है, यानी कि आउटर या फिर ट्रांसमिटेड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस विल बी आवर इप्सिलॉन टू, ठीक है। तो इप्सिलॉन टू के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, दैट इज इप्सिलॉन नॉट इनटू 1, तो ये बन जाएगा इप्सिलॉन नॉट, क्या बनाइए, इप्सिलॉन टू की वैल्यू, और इप्सिलॉन वन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है, दैट इज 1.75 इप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कुछ गिवन है, क्या क्रिटिकल एंगल बना रहा है, ये क्रिटिकल एंगल बना रहा है, ठीक है। सो आई कैन राइट हेयर व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल हेयर। क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं साइन ये थीटा सी से, और यहाँ पे आ जाता है क्या, साइन की टर्म, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन टू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन वन। ये किस में आता है, हमारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आता है, राइट, ठीक है। तो यहां से थीटा सी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन टू, इप्सिलॉन टू एयर वाला है, दैट इज इप्सिलॉन नॉट थी इसकी वैल्यू, और नीचे क्या थी, 1.75 इप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लो, इप्सिलॉन नॉट विल बी कैंसिल्ड आउट, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.75। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करो फटाफट से, इसकी वैल्यू बताओ। सो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1.75 वी विल गेट 49.1 डिग्रीज। ये आगे किसकी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो ये वाली वैल्यू अगर डी है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल थीटा सी है, और इसी के साथ ये वाली जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, डी होगी। ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अजम्पशन करना आप लोगों के लिए इजी हो। तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है यहाँ पे, ये राइट, ये कितना गिवन है, दिस इज आवर एंगल थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी गिवन है, ये है अपनी डी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये गिवन है रेडियस, यानी कि 5 मीटर। बस सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर जो थीटा वाला है उसके सामने वाला अपोजिट वाला क्या होता है, ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टेन थीटा का, यानी कि टेन थीटा सी विल बी इक्वल्स टू, दैट इज ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, 5, और बेस क्या हो गया अपने पास डी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा सी कितना है, 49.1 डिग्रीज इक्वल्स टू 5/d। तो यहाँ से क्या हो जाएगी डी की वैल्यू, डी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10, 49.1 डिग्री को कैलकुलेट करो फटाफट से, विल गेट 1.1547, ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखा करो क्लास में। तो यहाँ पे आ जाएगी डी की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4.33 मीटर्स, ये आ गई, ठीक है। तो ये आ गया आंसर अपना, डी ही तो निकालना था, तो ये आ गए 4.33 मीटर्स, क्लियर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि एल्यूमिनेशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो वो मीडियम जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एयर को अगर मीडियम 2 ले लिया, वाटर को आपने मीडियम 1 ले लिया, तो आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग ही आने वाला है, क्लियर। तो इसलिए मीडियम का यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाइट सोर्स हमारे किस मीडियम में रखा है, उस मीडियम को हम मीडियम 1 लेंगे, और किस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रहा है उस मीडियम को हम लोग क्या लेंगे, मीडियम नंबर 2 लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस इन मीटर्स अ वेव हैज टू प्रोपेगेट इन अ मीडियम हैविंग अ स्किन डेप्थ ऑफ 0.1 मीटर, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अटेन्यूएट्स बाय 20 dB इज। तो यहाँ पे कुछ गिवन है जो है स्किन डेप्थ कितना है, 0.1 मीटर, ठीक है। स्किन डेप्थ के दो फॉर्मूले होते हैं, एक क्या होता है कि डेल्टा, यानी कि स्किन डेप्थ इज इक्वल्स टू 1/α, ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/π (μ σ)(f), इस फॉर्म में भी होता है इसका, क्लियर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, डेल्टा की वैल्यू गिवन है, ठीक है,
इसको नोट कर लेना, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वेव किस कितने डिस्टेंस पे प्रोपेगेट हो रही है, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एटेन्यूएट्स, एटेन्यूएशन दी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 20 dB। तो जब भी वैल्यू 20 dB यहाँ पे गिवन है तो हमें अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अल्फा इन dB इक्वल्स टू 20 × log base 10 ऑफ, यहाँ पे होता है इप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाय इप्साइलन एक्स के फॉर्म में, ठीक है, इप्साइलन एक्स के फॉर्म में। तो जब भी हमें डीबी में फाइंड आउट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 dB, दैट इज इक्वल्स टू 20 log base 10 ऑफ e नॉट डिवाइडेड बाय ई एक्स की फॉर्म, राइट। ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज जो लास्ट में हमने देखा था वो क्या था, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो यहां से इसको मान लो ई एक्स, ठीक है। तो बस इन दोनों इक्वेशंस का हमने यूज करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। तो कैसे आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं इसको, वी विल गेट 20 से 20 विल कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो इस ये बच गया इधर 1, इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट e टू द पावर ऑफ, यहाँ पे दोनों साइड क्या ले लेंगे, e टू द पावर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी, वी विल गेट e नॉट डिवाइडेड बाय e x इक्वल्स टू 10 ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पे लॉग बेस हटके 10 बचेगा, सो वी कैन राइट हेयर द वैल्यू ऑफ e x इक्वल्स टू e नॉट डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये आ गई, लेट सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाली इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई एक्स क्या था, ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड और इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 10 हेयर। तो ई नॉट विल गेट कैंसिल्ड आउट, ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड इक्वल्स टू 1/10। अब ये अल्फा कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से, क्यों, ये होता है 1/अल्फा, सो वी विल गेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/0.1, यानी के 10 आ जाएगा। e टू द पावर ऑफ माइनस 10 इंटू जेड इक्वल्स टू 1/10। बस इस वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दो, सॉल्व कर दो यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस 10 जेड इक्वल्स टू 0.1, ln लगा लो दोनों साइड, क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 1/10 इंटू ln ऑफ 10। तो ये क्या आ जाएगा, 0. यूजिंग कैलकुलेटर वी विल गेट 0.23 meters, क्लियर, ठीक है। तो ये आ गई z की वैल्यू, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपने पास, करेक्ट आंसर इज बी ओनली, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हमने देखे हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला देखा है लॉग की टर्म में, ठीक है, डीबी के फॉर्म में। एक हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है कि डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा, और जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो अपने पास है ही, ठीक है, ये वाला जो था जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इसको आप याद रखना। डन, एनी डाउट, आगे बढ़े, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटर्न लॉस ऑफ अ डिवाइस इज फाउंड टू बी 20 dB, द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें एक नई टर्म दिख रही है, क्या टर्म दिख रही है, रिटर्न लॉस। अब ये रिटर्न लॉस क्या है, ठीक है, रिटर्न लॉस क्या है, रिटर्न लॉस को हम डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। रिटर्न लॉस जो होता है वो हमारा डीबी में होता है, दैट इज इक्वल्स टू 20 × log base 10 ऑफ मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। तो ये वाला एक और फॉर्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पे, और इस वाले फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्लियर, राइट, इसको हम याद रखेंगे, राइट। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिटर्न लॉस गिवन है, यानी ये वाली वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 20 dB, 20 dB, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20 × log base 10 ऑफ मॉड ऑफ 10 मॉड ऑफ टॉ, ठीक है, बस मॉड ऑफ टॉ यहां से फाइंड आउट कर लो, 20 विल गेट कैंसिल्ड आउट और मॉड ऑफ टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 और यहाँ से क्या कर दो, e टू द पावर कर दो, है ना, e टू द पावर ऑफ 1 एंड दिस इक्वल्स टू
10, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी e टू द टॉय इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, आता है ना, ये तो बेसिक है, सबको पता है कि कैसे हम लोग लेते हैं नेचुरल लॉग। अगर नहीं आता तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ से देखो ये 20 20 विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, तो बेसिकली क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ, इसको ढंग से लिख लेते हैं, 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 लॉग बेस 10 ऑफ मॉड ऑफ टॉ, ये फॉर्म हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, ये एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है, जब भी एक्सपोनेंशियल लगता है तो इट और ये दोनों टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, ये वाली टर्म कैंसल्ड आउट हो जाती है, सो मॉड ऑफ टो जो आता है वो हमारी यहाँ पे किस फॉर्म में आता है, 10 की पावर फॉर्म में, ठीक है, 10 की फॉर्म में, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, अभी माइनस है तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे 1 माइनस ऑफ इसको, यानी के इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिटर्न लॉस, अगर माइनस हटाना है तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है, डिनोमिनेटर में हो जाती है, ठीक है, तो बस फिर यहाँ पे जब भी हम इसको करते हैं तो ये अपना बन जाता है 10 टू द पावर में, ठीक है, 10 की पावर में, और यहाँ पे या तो डायरेक्ट ही ले लो, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, सो रिटर्न लॉस वुड बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.1 वैल्यू, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आ गया, बस सिंपल सा है, अब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, VSWR फाइंड आउट करो, अब तो सिंपल ही है, टॉ निकल गया तो VSWR क्या होती है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी 1 प्लस मॉड ऑफ टॉ अपॉन 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ टॉ, ठीक है, ये हो जाएगी 1 प्लस ऑफ 0.1 अपॉन 1 माइनस ऑफ 0.1, क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो फटाफट से, वी विल गेट 1.22 आंसर, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1.22 एंड 0.1, सो पहले क्या पूछा है ये भी चेक कर लेना, पहले क्या पूछा है VSWR, तो 1.22 और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट क्या हो गया 0.1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, आगे चलते हैं। एट 3 GHz अ सर्टेन मटेरियल हैज इप्सिलॉन आर 2 म्यू आर 1 एंड टेन थीटा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव बिफोर इट पावर gets reduces by 20% is, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये जो है अभी तक हमने जितने भी दो तीन क्वेश्चंस देखे हैं सभी के कंसेप्ट को मिलाकर एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है, बड़ा सा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन देखने में छोटा है, ठीक है, अभी देखो हमने क्या देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं वो क्या होता है ई नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स परसेंट इक्वल्स टू ई नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस एल्फा जेड, क्लियर, अगर यहाँ पे बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की भी बात करूँ या करंट की बात करूँ वो भी इसी फॉर्म में होगा, लेकिन जब भी मैं पावर की बात करती हूँ, ठीक है, जब भी मैं पावर की बात करती हूँ तो पावर बेसिकली क्या होता है वी स्क्वायर आर होता है या फिर वी स्क्वायर बाय आर होता है या फिर आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जब भी हम यहाँ पे लेंगे तो इस टर्म को पावर के फॉर्म में याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जब भी हम पावर को मेंशन करते हैं वी विल गेट पावर नॉट 1 माइनस ऑफ पावर रिड्यूसेस टर्म इन परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे पावर नॉट पी नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है 2 अल्फा जेड, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है 2 अल्फा जेड, बस ये वाली टर्म यहाँ पे याद रख लो आप लोग, क्लियर, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईएस में भी डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में गिवन है कितना पावर रिड्यूस हो रहा है दैट इज 20% ओनली, ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो जेड की वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं पी नॉट इन टू 1 माइनस परसेंट रिड्यूसेस कितना है 20%, तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस 2 अल्फा इनटू जेड, तो यहां से निकाल लो ये क्या हो जाएगा पी नॉट कैंसिल्ड आउट 1 माइनस 20% कितना हो गया 0.8 की फॉर्म 0.8 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा जेड,
तो यहाँ पे क्या कर लो, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग लेगो तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग, हमें क्या मिलेगा माइनस टू एल्फा जेड इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इन टू एल एन ऑफ, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 अल्फा जेड एल एन ऑफ दिस टर्म, यानी कि 1.25। इसको वापस से चेक कर लो कितना है ये, 1 माइनस 2 ए टू द पावर दिस, तो यहाँ से हो जाएगी 2 अल्फा जेड, क्लियर। तो ये कितनी हो जाएगी 1.25, यहाँ पे एल एन 0.8 आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये आ जाएगा एल एन के फॉर्म में, क्लियर, यहाँ से हट जाएगा और ये एल एन बच जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एल एन ऑफ 1.25, क्लियर, राइट। हाँ, आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस वाली इक्वेशन पे, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज हेयर ऑफ जेड। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू इप्सिलॉन बाय 2, और ये होता है फिर से एक अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन थीटा, यानी कि सिग्मा क्या होता है, लॉस टेंजेंट का स्क्वायर, ओमेगा इंटू इप्सिलॉन का स्क्वायर, और यहां पे क्या होता है, दिस विल बी आवर माइनस 1, ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो ये जो है, दिस इज आवर टेन थीटा के फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं क्या, लॉस टेंजेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉस टेंजेंट, क्लियर। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा, दैट इज 2 पाई एफ इन टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या मिलेगा अपने को, म्यू नॉट म्यू आर इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 इन टू अगेन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर एंड माइनस 1, और ये कहां तक, बाहर वाला जो रूट है वो 1 तक जाएगा, क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 2 पाई एफ, म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट जब हम इसका निकालते हैं म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज सी, सी की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, यानी कि वी विल गेट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वैल्यू ही। इसको जब आप सॉल्व करोगे यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट द सेम वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 यानी कि म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर, तो म्यू आर गिवन है 1, इप्सिलॉन आर गिवन है 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, होप दिस इज विजिबल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3 गीगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो 3 गीगाहर्ट्ज़, और इस वाली वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट इज गीगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.99 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 के फॉर्म में, क्लियर। इसको आप चेक कर लेना अच्छे से यूजिंग कैलकुलेटर, सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 236,
और अंडर रूट ऑफ 4.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वी विल गेट 0.0443। क्लियर? कैलकुलेटर आप यूज कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलने का इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। गेट में भी आप जानते हो कि अलाउड होता है कैलकुलेटर, राइट। तो यहां से मिल गई क्या अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, अब ये वाली जो इक्वेशन थी फाइनली जो हमें मिली थी जेड की इक्वेशन, जेड क्या मिला था मुझे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इन टू ln ऑफ 1.25, ठीक है, ln ऑफ 1.25। सो जेड इक्वल्स टू 1/2 इन टू 0.0443 इन टू ln ऑफ 1.25। क्लियर? तो इसको बस सॉल्व कर दो यूजिंग कैलकुलेटर, वी विल गेट जेड इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2.518 मीटर। आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, z इक्वल्स टू 2.518 मीटर। अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों ध्यान रखना हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर को रिलेट कर पा रहे हैं। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस विद परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक विद एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 5। यहाँ पे गिवन है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, दैट इज 5। इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 इज गिवन बाय, यानी कि मीडियम 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंसिडेंट फील्ड, वो गिवन है 1.5 मिलीवोल्ट पर मीटर, देन द ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एच का ट्रांसमिशन, एच टी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई और एच का जो भी रिलेशन है वो हमें पता चल जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ईटा कुछ होता है, दैट इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय एच, और जब हमें टेंजेंशियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वी कैन गेट ई टी डिवाइडेड बाय ई ऑफ एच, एच ऑफ टी, टेंजेंशियल है ना, तो दिस इज एच ऑफ टी हियर, राइट। तो बस सिंपल सा है, और ईटा क्या होता है, ईटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के फॉर्म में। क्लियर? ये हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड में हम जानते हैं कि ईटा हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, ईटा हमें किसका फाइंड आउट करना है, मीडियम नंबर 2 का, क्यों, क्योंकि ईटा 1 जो दिया है वो तो हमें एयर का ही दिया है, ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस, सो एयर के लिए कितना हो जाता है वो 120 पाई, राइट, ये कितना है फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो जब भी मैं ट्रांसमिशन कोफिशियंट, एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशियंट जिसको हम इस टॉ से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा ट्रांसमिशन कोफिशियंट जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो टॉ होता है वो क्या होता है, ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1, ये होता है अपना रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोफिशियंट क्या होता है, 2 इंटू ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1, ये क्या होता है अपने पास, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, राइट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और क्या रिलेशन होता है, जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट होता है वो अपने पास होता है ई टी यानी कि ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय ई इंसिडेंट, ठीक है। और जो टॉ होता है अपने पास वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे ई आर डिवाइडेड बाय ई आई के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। तो अब हमें टी का मतलब कि ट्रांसमिशन का हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ई टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ई टी मुझे मिल जाएगा, ईटा 2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा यूजिंग दिस वैल्यूज, ठीक है। और एच टी हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन वाला 2 ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1, ठीक है। ईटा 2 मुझे यहां से मिल जाएगा कैसे, ट्रांसमिशन कोफिशियंट टी की वैल्यू निकालो, दैट इज ई टी डिवाइडेड बाय ई आई, एंड दैट इज इक्वल्स टू
टू ईटा टू डिवाइडेड बाई ईटा टू प्लस ईटा वन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यूज कैसे मिलेगी, ईटा वन हमें गिवन है कितना, 120 पाई गिवन है, ठीक है। ईटा टू मुझे कैसे मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन इप्सिलॉन आर। तो म्यू आर और इप्सिलॉन आर, देखो इप्सिलॉन आर गिवन है कितना 5 और म्यू आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 120 पाई अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन आर, और इप्सिलॉन आर कितना है 5, 120 पाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 168.59 ओम्स। क्लियर, क्या मिल जाएगी 168.59 ओम। ईटा टू आ गया, बस अब ईटा टू की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं फटाफट से, क्या मिलेगा, यहां पे पुट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा ईटा टू, टू ईटा टू डिवाइडेड बाय ईटा टू प्लस ईटा वन ई टी अपॉन ई आई, ठीक है। ये क्या था अपना ट्रांसमिशन कोफिशियंट, जो कि हमें मिल जाएगा 2 इंटू क्या है 168.59, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा टू कितना है 168.59 प्लस 120 पाई, क्योंकि फ्री स्पेस का है। बस इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 0.618। तो ये आ गई 0.618। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ई टी अपॉन ई आई इक्वल्स टू 0.618। तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0.618 इंटू ई आई, ई आई कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.5 मिली वोल्ट है, सो 10 to the power of -3। सो इट इज द वैल्यू ऑफ ई टी हेयर यूजिंग कैलकुलेटर, वी विल गेट 0.927 मिली वोल्ट पर मीटर। ये आ गई किसकी, ट्रांसमिटेड फील्ड की, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड फील्ड की आ गई, अब क्या करना है, बस अब तो सिंपल सा ही रह गया यहाँ पे, क्या कि ईटा टू इक्वल्स टू क्या होता है ई टी अपॉन एच टी। तो एच टी यहाँ से क्या हो जाएगा ई टी डिवाइडेड बाय ईटा टू। तो ई टी कितना है यहाँ पे 0.927 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा टू, कितना आया था 168.59। तो एच टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 168.59 इन डिवीजन, सो एच टी आ गया अपने पास 5.49 माइक्रो एम्पियर पर मीटर। सो 5.49 माइक्रो एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल सा है। तो इस वाले कंसेप्ट में हमें क्या सीखने को मिला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, ट्रांसमिशन कोफिशियंट का, ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, राइट, ये है ट्रांसमिशन कोफिशियंट। क्लियर, आगे चलें, वेरी गुड। अ फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर इज दिस एंड क्लैडिंग इज दिस। अब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, या तो हम इसको कैसे एन से डिनोट करते, एक होता है एन और एक होता है ईटा, तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बुक्स में हमें एन को ही क्या गिवन है, दिस इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन के। लेकिन जो ये होता है ईटा, वो क्या होता है अपने पास, इंट्रिंसिक इंपीडेंस, इंट्रिंसिक वेव इंपीडेंस या फिर इंट्रिंसिक इंपीडेंस, और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इप्सिलॉन के, क्लियर, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के, क्लियर। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर गिवन है 1.47 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ये थोड़ा ऑप्टिकल का क्वेश्चन है, इजी सा है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ही है। क्लैडिंग का कितना हो जाएगा 1.46। द मिनिमम एंगल एट विच द रे विल स्ट्राइक द कोर क्लैडिंग इंटरफेस टू बी गाइडेड इन द कोर। तो सिंपल सा है कि मिनिमम एंगल कितना होता है हमारा, अभी जो हमने देखा था क्या, थीटा सी क्रिटिकल एंगल, क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब इप्सिलॉन 2 क्या है, लेट्स सपोज ये क्या है कोर,
ठीक है, और बाहर क्या होती है अपनी क्लैडिंग होती है, ठीक है। तो वेव इस तरीके से जाती है हमारी कोर से होती हुई, ठीक है। और अगर कुछ भी ये जो क्लैडिंग हम लगाते हैं वो क्या होती है, इप्सिलॉन 2 होती है, और ये क्या होती है इप्सिलॉन 1 होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है अपनी वेव गाइड की, ठीक है, क्लियर। ऐसे सो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन 2 क्या हो गया, इन फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो E2 क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो यहाँ पे रख दो वैल्यूज, अंडर रूट ऑफ क्लैडिंग का कितना है 1.46 डिवाइडेड बाय 1.47, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को साइन थीटा सी, थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1.46 अपॉन 1.47, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 83.31, ठीक है, इतना डिग्रीज। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 83.31 इज द आंसर ऑफ दिस NET टाइप क्वेश्चन। आगे चलें, तो ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टर्म्स को आज ही अपनी कॉपी में लिख लो, नोटबुक में इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि यही चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ होमोजेनियस नॉन कंडक्टिंग मीडियम हैज म्यू आर, यानी कि परमेबिलिटी गिवन है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पेक्टिवली E और H हमें गिवन है, देन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी इन मेगा रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें, रेडियन में, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब जैसे मैंने बताया कि वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे निकालते हैं, अब जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखती हूँ, मैं यहाँ पे मिलता है मुझे क्या, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड की फॉर्म, लेकिन जेड क्या होती थी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यहाँ पे क्या गिवन है, वाई गिवन है, तो वाई क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। और ये वाली जो टर्म होती है ए जेड, ये किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, राइट। सिमिलरली एच फील्ड में भी यही होता है, यहाँ पे कौन सी है, वाई की वैल्यू, तो प्रोपेगेशन यानी कि ए के की वैल्यू तो ये हो गई, और एच की जो डायरेक्शन है वो हो गई एक्स की डायरेक्शन में, क्लियर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा। अब देखो जब भी मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे दोनों में ई फील्ड को और एच फील्ड को जब भी कंपेयर करूँ तो मुझे सेम चीज मिल रही है, देखने को क्या मिले कि बीटा यहाँ पे सेम है, जिसकी वैल्यू है क्या, 2/3, क्लियर, पॉजिटिव 2/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी साइन नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखो कि प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे इक्वेशन में प्लस साइन गिवन है तो हम क्या लेते हैं, बीटा माइनस लेते हैं, और इक्वेशन में अगर माइनस साइन गिवन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आगे आप लोग लेक्चर्स करेंगे हमारे साथ, लेक्चर्स पढ़ेंगे, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बीटा क्या होता है अपने पास, बीटा इज इक्वल्स टू 2π/λ होता है, ठीक है, 2π/λ, तो लेमडा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू c/f, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ मीडियम गिवन है जिसमें म्यू आर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा बाय बीटा, ओमेगा बाय बीटा क्या होता है, दिस इज फेज वेलोसिटी, ओमेगा बाय बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय बीटा इक्वल्स टू ओमेगा दैट इज 2π f, या फिर ओमेगा ही है तो इसको ओमेगा ही रहने देता है, बीटा क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट म्यू इनटू इप्सिलॉन, या आप चेक करना वैल्यू सारी की सारी, ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट इनटू इप्सिलॉन नॉट म्यू आर इनटू इप्सिलॉन आर, ठीक है, ओमेगा ओमेगा विल गेट कैंसिल्ड आउट। सो यहाँ पे फेज वेलोसिटी हमें क्या मिल जाएगी, 1/ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर, सो 1/ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 3×10⁸, ऊपर आ जाएगी ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, हमारी सी टर्म बन जाएगी, क्लियर। अंडर रूट ऑफ म्यू आर इप्सिलॉन आर, म्यू आर कितना गिवन है, 1, लेकिन इप्सिलॉन आर गिवन नहीं है, तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, राइट। तो चलो इप्सिलॉन आर कितना हो गया, यहां से ये हो जाएगा
वीपी, वीपी क्या है, दैट इज ओमेगा बाय बीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इस वीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू बीटा इंटू वीपी, वीपी क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर, ठीक है, और बीटा यहाँ से क्या है, क्या वैल्यू गिवन है बीटा की 2/3, सो 2/3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय अंडर रूट इप्सिलॉन आर, 3 कैंसिल्ड आउट, 2 × 10⁸ अपॉन अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर, ये हो गया ओमेगा। अब इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओमेगा अगर पता करना है तो मुझे इप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इप्सिलॉन आर अगर मुझे मिल जाएगा आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे ई और एच फॉर्म गिवन है, तो मैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का यूज यहाँ पे कर सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एच नॉट, और ईटा क्या होता है 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन इप्सिलॉन आर, क्लियर, यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल जाएगी। ई नॉट क्या है, ये 85 पाई यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 85 पाई डिवाइडेड बाय एच नॉट, एच नॉट कितना गिवन है, एच नॉट क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 120 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू आर, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 गिवन है, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, इप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो बस इसी वाली इक्वेशन को कैलकुलेट कर लो यूजिंग कैलकुलेटर, वी विल गेट अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 3.52, और इप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ मिल जाएगा 12.46 की वैल्यू, ठीक है। बस अब तो आएगी आंसर, ओमेगा में यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिल गया, यूजिंग दिस रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस, या तो डायरेक्ट ही रख दो 3.52, सो इट इज द वैल्यू हेयर, वी विल गेट 2 × 10⁸ अपॉन 3.52, कैलकुलेट कर लो फटाफट से, 56.818 मेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 56.818 इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, क्लियर, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन अ लॉसी मीडियम हैज फेज कांस्टेंट ऑफ इतना, यानी कि 1.6 रेडियन पर सेकेंड एट 10⁷ हर्ट्ज, यानी कि क्या गिवन है, फेज कांस्टेंट, यानी कि बीटा की वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन है, एट अ फ्रीक्वेंसी यानी कि 10⁷ पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस बाय 60% इन एवरी 2 मीटर ट्रेवल्ड द स्किन डेप्थ वुड बी। अब देखो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट इंटू 1 - % रिडक्शन इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड, क्लियर है यहां से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स गिवन है, 60% रिडक्शन यानी कि ई नॉट 1 - 60% क्या हो जाएगा, 60/100 या फिर 0.6 डायरेक्ट इसको लिख लो, E नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड, क्या निकालने, स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/α, ये होता है, ठीक है, और जेड हमें गिवन ही है, बस सिंपल सा है, अल्फा निकालो उसका 1 अपॉन कर दो, वी विल गेट द स्किन डेप्थ, फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको, E नॉट विल गेट कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे क्या बचेगा 0.4 e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा इंटू 2 मीटर 2α, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, ln will get cancelled out, we will get minus alpha into 2 equals to ln of 0.4, ठीक है, तो इस यहां से निकाल लो, alpha will be equals to 0.458, ये आ जाएगी, so therefore the skin depth is equals to 1 upon alpha and that is equals to 1 divided by 0.458, we will get 2.18 meter, answer is B here, correct answer is B, clear, आगे चलते हैं। An air filled rectangular waveguide has inner dimension of 3 cm and 2 cm. The wave impedance of the TE20 mode of a propagation in the waveguide at a frequency of 30 GHz और free space impedance हमें यहाँ पे given है कितना 377, ये same होता है कितना 120 pi के, ठीक है, same ही है,
बस वहां पे पाई क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी वहां पे पाई की 22/7, ठीक है, या फिर 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, वी विल गेट 377. अब ये जो क्वेश्चन है वो है हमारे वेव गाइड का, ये आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसमें क्या गिवन है, इनर डायमेंशंस गिवन है 3 और 2, यानी कि ए क्रॉस बी के फॉर्म में गिवन है. द वेव इम्पीडेंस ऑफ 2 0 मोड का हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इम्पीडेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट दैट इज ईटा नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - FC/F2. क्या होता है, FC/F2. ये जो F होता है ये होती है अपने पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर. और ये जो होते हैं ये होती है अपने पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट. तो चलो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू. तो एफ सी मुझे यहाँ पे चाहिए, एफ सी निकालने का फॉर्मूला होता है एफ सी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एम बाय ए का होल स्क्वायर प्लस एन बाय बी का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पाई के फॉर्म में भी लेते हैं, एम पाई बाय ए स्क्वायर, तो उस पाई के लिए हमें यहाँ पे भी पाई लेना होता है. ठीक है, ये हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान करने वाली होती है कि c बाय 2 कब होता है, जब भी हमें फ्री स्पेस की बात की हो, अदरवाइज यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू इप्सिलॉन आर की फॉर्म में. क्लियर, अगर हमें कोई और एयर के अलावा कुछ और अगर हमें मीडियम देना लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, तब हम लेंगे c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर इप्सिलॉन आर, क्लियर, इनटू 2. ठीक है, तो यहाँ पे चलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाएगी. आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी कि हमें डिफरेंट मीडियम गिवन हो. ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए. तो ये हो जाएगा एफ सी दैट इज सी बाय 2 यानी कि 3 × 10⁻¹. अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज लिखने से पहले एक चीज ध्यान दो, एम बाय ए और एन बाय बी, ए और बी तो मुझे गिवन है, लेकिन एम और एन मैं कहाँ से निकालूंगी, यूजिंग दिस मोड. ये जो फॉर्म होती है ये होती है अपनी टी ई एम एन की फॉर्म. तो जब कंपेयर मैं करूंगी आई विल गेट m equals to 2, n equals to 0 here. ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ m बाय a स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो 10⁻²− की फॉर्म में इसका होल स्क्वायर, प्लस n कितना है 0, तो 0/2 × 10⁻², ये वाली टर्म तो क्या ही हो जाएगी, 0 हो जाएगी. क्लियर, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या, यहाँ पे एफ सी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ / 2, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो वी विल गेट ओनली 2/3 × यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 10⁻², तो इट विल बिकम 100. तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी इज इक्वल्स टू दैट इज 1 × 10⁻¹0, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, 10 × 10⁹, और दैट इज इक्वल्स टू 10 GHz. ये आ गई अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, क्या मिल जाएगी हमें, इम्पीडेंस इक्वल्स टू ईटा नॉट कितना है, 377 गिवन है क्वेश्चन में, 377 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - 10 GHz, 10 × 10⁹, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है कितनी, 30 GHz, सो 30 × 10⁹ का होल स्क्वायर. बस यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, और हमें क्या मिल जाएगा, 400 ओम. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसमें, वेव गाइड में टी ई जो भी हमें मोड वहां पे गिवन है, एम और एन की वैल्यू हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और फॉर्मूला लगा देंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. बस एक बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप निकाल दो, उसके बाद तो वेव इम्पीडेंस हो चाहे वेव लेंथ हो चाहे गाइडेड वेव लेंथ हो, वो सारी चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैविंग टी ई 10 मोड एज डोमिनेंट मोड इज हैविंग अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 18 GHz. क्या गिवन है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है, फॉर द मोड
TE30 के लिए, ठीक है, जब भी TE30 मोड है तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 18 गीगाहर्ट्ज। द इनर ब्रॉड वॉल डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर वेव गाइड, अब ये ब्रॉड क्या होती है, जब भी ए क्रॉस बी हम लेते हैं, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ब्रॉडर कौन सी हो गई, ए हो गई, क्लियर। और जब बी हम लेते हैं, अगर बी ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये तो सिंपल सा फंडा है, बी को हम लेंगे ब्रॉडर, क्लियर। तो जनरली ये वाला केस हम लोग लेते हैं इस केस में, क्यों, क्योंकि एम इक्वल्स टू 3 है, एन इक्वल्स टू 0 है, तो रिमेनिंग क्या बचेगी हमारे पास, ए वाली टर्म बचेगी, बी वाली टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एम बाय ए होल स्क्वायर प्लस एन बाय बी होल स्क्वायर। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय 2, ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, 3,0 के लिए, 30 के लिए, टी ई 30 के लिए एम बाय ए बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो हो जाएगा 3×10⁸ अपॉन 2×m, m कितना है, 3 गिवन है, डिवाइडेड बाय a, बस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 18×10⁹, 3×10⁸ बाय 2×3 बाय a। सॉल्व कर लो यहाँ से, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2×18 हो जाएगा और 339 जो है डिवाइडेड बाय में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, सो वी विल गेट कितना, 1/40 कितना मीटर्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 meter, that is 100 centimeter, so 100/40 और 5/2 कितना सेंटीमीटर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी सिग्मा एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 megahertz is 25 centimeter. The depth of penetration at a frequency of 4 megahertz will be. So depth of penetration having a conductivity itna at a frequency. So frequency mein given hai, jo values given hai, fatafat se wo likh lo. Aur yahan pe kya given hai? Depth of penetration. Penetration depth kya hote hai? That is delta. Delta ho gaye kitni? 25 centimeter. So hum nikalni hai dusri frequency pe. Yani ki let's suppose this is F1, delta 1. ठीक है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 4 megahertz, और इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, डेल्टा 2 की वैल्यू, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अब मैंने जो एक फॉर्मूला बताया था वो क्या था, कि डेल्टा होता है अंडर रूट ऑफ 1/1 अंडर रूट ऑफ पाई एफ सिग्मा इंटू म्यू, ये फॉर्मूला भी होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डेल्टा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, कि वो अंडर रूट ऑफ एफ होता है, ठीक है, सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ 1, क्योंकि डेल्टा 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ 2, देयर फोर वी कैन गेट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ 1, बस अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, सीधे सीधे वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, डेल्टा 1 गिवन है 25 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय डेल्टा 2 हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ 2 कितना है, 4×10⁶ डिवाइडेड बाय एफ 1 कितना है, अंडर रूट ऑफ 1×10⁶, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, सो डेल्टा 2 वुड बी इक्वल्स टू 25/2 और ये हो जाएगा कितना, 12.5 इन सेंटीमीटर्स, क्लियर, 12.5, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, राइट। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है याद रखने का वो है ये वाला, ये जो फॉर्मूला है आप इसको अच्छे से याद रखना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर मेटल वेव गाइड फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर 4 हैज द इनसाइड डायमेंशन ऑफ 3 centimeter, कितना हैज इनसाइड डायमेंशन ऑफ 3 centimeter इनटू 1.2 centimeter, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट क्या हो गया, 10, ठीक है, तो 10 के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज सी डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, इप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इप्सिलॉन आर के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीपी इज इक्वल्स टू दैट इज सी, और यहाँ पे वीपी हमें गिवन है कितना, 4, सो अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर ये हो जाएगा इस फॉर्म में इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाय ए का स्क्वायर प्लस एन बाय बी का होल स्क्वायर,
सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, आई एम सॉरी, ठीक है। आप लोग भी अपनी तबीयत का जरूर ध्यान रखो, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, m कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m बाय a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन पुट द वैल्यूज हेयर, vp डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर, राइट। तो इस वैल्यूज को सॉल्व कर लो, सो एफ सी यहां से क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू, चेक आउट दिस वैल्यू, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एफ ऑन 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2, 3 3 विल गेट कैंसिल आउट, ऊपर क्या जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे गीगा हर्ट्ज में, तो इंटू 10 अपॉन 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.5, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, राइट। चलो तो ठीक है, आज एक और जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बस लास्ट टाइम फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि कल सारे के सारे क्वेश्चंस ही मैंने सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। तो कमेंट्स आप लोग करते रहो, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहो, ठीक है। तो चलो, ये था अपना होमवर्क क्वेश्चन, इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर TM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 14 GHz इन अ होमोजीनियस मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और परमेबिलिटी कितनी है 1। यहाँ पे ई फील्ड गिवन है और एच फील्ड गिवन है। अब सबसे पहले क्या देखो यहाँ पे, कि कंपैरिजन कर लो ई फील्ड में और एच फील्ड में, क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पे ई पी दिया हुआ है क्या मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो एच का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एच का जो मैग्नीट्यूड है, यानी एच नॉट गिवन है 3, और यहाँ पे ई का जो मैग्नीट्यूड है ई नॉट, वो कुछ इस तरीके से गिवन है ई पी की फॉर्म में। और क्या गिवन है यहाँ पे, बीटा देखो, बीटा कितना है 280 पाई, क्लियर, 280 पाई। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस टू बी दिस, द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इप्साइलन आर निकालनी हमें और ई पी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो इप्साइलन आर निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो बीटा हो गया अपने पास 280 पाई, तो बीटा क्या होता है, दैट इज 2π/λ, ठीक है, 2π/λ होता है। और अब देखो, इस चीज को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इप्साइलन आर को निकालने के लिए हम इन बीटा का यूज करेंगे, कैसे, हमें पता है वीपी फेज वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज ω/β, क्लियर, ω/β होती है। और यहाँ पे क्या हम रखते हैं, 2cf है ना, 2πf रखते हैं डिवाइडेड बाय बीटा, तो या फिर बीटा क्या होता है, ω√μ into epsilon, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 divided by under root mu not mu r epsilon not epsilon r, तो यहाँ से bp is equals to हो जाएगी 1 divided by mu not mu r, क्या बनेगा c under root of mu r into epsilon r की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ये अपने पास कितना होता है, c क्या है यहाँ पे, वैल्यू गिवन है 3 into 10 to the power 8 upon mu r, mu r कुछ गिवन है क्या, हाँ, म्यू आर यहाँ पे गिवन है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इप्साइलन आर की वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, वीपी की वैल्यू, अगर मुझे वीपी मिल गया तो मुझे इप्साइलन आर की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो चलो वीपी को फाइंड आउट करते हैं, वीपी क्या हो जाएगा, वीपी किस फॉर्म में होता है, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की ही फॉर्म में होता है, तो स्पीड की फॉर्म में है, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। लैम्डा कहाँ से मिलेगा मुझे, बीटा से, बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2π/β इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 14 GHz, 14 × 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 2π/β, बीटा कितना गिवन है, 280π, 280π इंटू 14 × 10⁹, बस यहाँ से वीपी फेज वेलोसिटी अपनी आ गई,
कैलकुलेट कर लो इसको कितनी आ जाएगी, 2 पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है, 14 इंटू 2, 2 से 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट, हमें मिल जाएगा ओनली 1 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर? सो देयर फोर वी पी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर. तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो 1 इंटू 10 टू द पावर 8. सो इप्सिलॉन आर मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू 3. देयर फोर इप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3, यानी कि मुझे मिल जाएगा क्या, 9. ये आ गया बस. तो फर्स्ट वैल्यू तो मिल गई कि इप्सिलॉन आर 9 है, ठीक है. तो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बस ई पी की वैल्यू. तो ई पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक रिलेशन है कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन इप्सिलॉन और 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन इप्सिलॉन आर. और ये कितना होता है, ई बाय एच की फॉर्म में होता है, जो कि उनका हम एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हैं. क्लियर? तो बस इन दोनों ही रिलेशन से हमें मिल जाएंगी वैल्यूज. कैसे मिल जाएंगी, देखो यहाँ पे हो जाएगी 120 पाई, म्यू आर तो 1 गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय ई आर कितना है 9, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट कितना है ई पी, और एच नॉट, एच नॉट कितना गिवन है क्वेश्चन में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3. तो इसका अंडर रूट कर देंगे विद 3, 3 विल गेट कैंसिल्ड आउट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पी हेयर विल बी 120 पाई ओनली. ये सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, 120 पाई. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है. तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी करवाएंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि गेट में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे. जुड़िए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है एडंकल गेट की तैयारी, और जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडंकल गेट की तैयारी. तो हमारे जितने भी चैनल है गेट से रिलेटेड वो आपको हर जगह मिल जाएंगे गेट की तैयारी के नाम से. तो आज ही सर्च करो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियोस को, ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके. ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के. सो सी यू ऑल, बाय.